हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फाइनली आज है मेरे रिटेनर्स का रिमूवल। आज मेरे रिटेनर्स जो हैं वो रिमूव होने वाले हैं एंड मैं मॉर्निंग में रेडी हो गई हूँ फॉर गोइंग टू स्कूल। आज मैंने साड़ी पहनी है बिकॉज इट्स सैटरडे एंड मंडे एंड सैटरडे इसको साड़ी इज कम्पल्सरी। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड जो भी टीचर्स हैं। सो चलते हैं। मेरे अभी टीथ की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। नीचे वाले टीथ मेरे काफ़ी ज़्यादा येलोइश काइंड ऑफ हो रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने डॉक्टर से रीज़न पूछा था तो उन्होंने बोला कि आप मुझे एक बार दिखा दो। तो मैं आज उनसे पहले रीज़न पूछूंगी एंड देन इसको ठीक कराऊंगी और अपने जो फिक्स रिटेनर्स हैं उनको भी रिमूव कराना है। सो हियर आई एम एट द क्लिनिक राइट नाउ। आफ्टर स्कूल मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गई थी एंड आई वॉज वरीड के कहीं डॉक्टर चली ना जाएँ बिकॉज वो वीकली आती हैं एक बार हफ्ते में। तो बट होपफुली वो वहीं पर थी एंड आई वॉज द लास्ट पेशेंट। यू कैन सी पूरा जो क्लिनिक है वो खाली है इस टाइम पर एंड थोड़ा सा रेनोवेट भी हुआ है तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। सो दिस इज़ अ बोर्ड, ये लिंगुअल मेटल सेरेमिक और क्लियर जैसे भी ब्रेसेस आपको लगाने हैं। हर नेम इज़ डॉक्टर अनामिका अतरिशी, ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेंट एंड द क्लिनिक नेम इज़ कला चैरिटेबल हेल्थ केयर क्लिनिक। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट देयर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी मैं आपको पूरा शो तो कर ही चुकी हूँ, डिटेल्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी आप। बाकी ये है हमारे डॉक्टर, मतलब जिनका ये क्लिनिक है, डॉक्टर निशांत कला। ये MDS हैं एंड PhD हैं। ये मेन जो है डेंटिस्ट हैं यहाँ के, जिनका ये पूरा जो क्लिनिक है जो ओन करते हैं। एंड दिस इज़ दी एम्बियंस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेनोवेट करा दिया है, बहुत सुंदर भी लग रहा था। एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आई थी बिकॉज 5-6 महीने बाद मैं रिटेनर्स को रिमूव कराने आई थी बट ऐसा नहीं हुआ। एंड दिस इज़ द सरप्राइज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती थी। लुक एट द बोर्ड, देर इज़ अ फोटो ऑफ माइन। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड ऑल्सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम बिकॉज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि मैम आपकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है उस क्लिनिक पे। सो आई वाज सरप्राइज एंड अमेज्ड ऑल्सो कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है लाइक व्हेन यू नोटिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड जब भी आपको कोई दूसरा ऐसी चीज़ें बताता है देन यू फील वेरी हैप्पी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी व्हेन आई सॉ दिस। तो मैं आपके साथ बहुत टाइम से शेयर करना चाहती थी बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आई नो आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन माय जर्नी एंड थैंक यू वेरी मच।